बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको तरीज़ों वाले कुर्ते की कटिंग बताऊंगी। तो कटिंग का तरीका ये है कि आपने ये याद रखें कि आपने जो दरमियान वाला हिस्सा है, जिसको दरमियान वाला घेर बोलते हैं, वो आपने तीरे के मुताबिक रखना है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका जितना तीरा है आप नाप लें, उसके तीरे के मुताबिक आपने कपड़ा उतारना है। जो दरमियान वाला हिस्सा है, ये देखें, ये मैंने उतार लिया है, क्योंकि अगर मैं आपको साथ साथ किसी कटिंग बताती हूँ तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, तो इसलिए ये मैंने अपने फ्रंट साइड और बैक साइड की दोनों साइडें निकाल ली हैं। तो ज़्यादातर जो बड़े होते हैं उनका तीरा जो है वो 15 इंच होता है। तो ये देखें, ये मैंने 15 इंच उतार लिया है तीरा इसका कपड़ा, ये देखें 15 इंच। क्यों 15 इंच मैंने इसलिए उतारा है कि इसके अंदर आधे इंच की सिलाई आ जाएगी दोनों साइडों पे, तो ये मेरा 14 इंच रह जाएगा, क्योंकि मैं 14 इंच रखना चाह रही हूँ। 15 इंच मेरा तीरा है, तो 14 इंच मैं रखना चाह रही हूँ, क्योंकि ये तीरा लटके ना फिट रहे तो वो ही अच्छा लगता है। ये बात हुई। अब मैंने इसकी लंबाई देखनी है। आपने लंबाई जो है, जितनी आपको लंबाई चाहिए उससे को आपने आधी इंच आपने ऊपर सिलाई का रखना है और 1.5 या 2 इंच आपने नीचे से रखना है। ये 40 इंच मैंने कपड़ा लिया उतारा है, तो इसकी लंबाई मुझे चाहिए 38 इंच, तो मैंने 1.5 इंच जो है वो फालतू कपड़ा निकाल लिया है। ये हो गया, ये होगी फ्रंट साइड और बैक साइड। अब मैंने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि इसकी कटिंग वगैरह नहीं करनी, क्यों जो हमने त्रिज़ वाला कुर्ता होता है वो आप उसकी कटिंग थोड़ी हट की होती है, तो उसकी कटिंग के लिए तो आपने इसको चकोर रहने देना है, इसकी कटिंग इधर से नहीं करनी। तो अब लेते हैं हम बाजू। अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी कि आप इसको इसकी कटिंग करते वक्त आपको कोई मुश्किल आए, तो मैं डिटेल से इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये सिर्फ कटिंग की होगी वीडियो, स्टिचिंग की मैं बाद में आपको बताऊँगी, ठीक है। ये मैंने बाजू उतारा है, जितना आपका बाजू का कंधा है इधर से शोल्डर इधर से आपको पूरा आता है, आप उतना इसका कपड़ा उतार लेंगे। ये दोनों बाजू हैं, तो ये मैंने डबल कपड़ा किया हुआ है, दोनों बाजू को मैंने एक साथ ही उतार लिया ऐसे। तो अब मैं इसको ऐसे रख के देखूंगी, इस तरह सिलाई का, ये इधर से कपड़ा सिलाई का छोड़ते हुए आधी इंच, तो मैं इसको ऐसे रख लूंगी। ये मैंने नाप लिया। अब मैंने लेनी है तरीज। तरीज आप किस तरह लेंगे कि ये देखें, इधर से मैंने 15 इंच तो कपड़ा लिया है दरमियान से, जो हमारा सिलाई होके 14 इंच रह जाएगा, तो उसके हमने इसकी नाप जो कपड़ा लेना है नाप के लिए, वो इस तरह लेना है कि आपने इसको ऐसे बराबर रख के इस तरह, तो जितना आपका बाजू का हिस्सा है, ये मैं इसलिए थोड़ा इधर रख रही हूं कि आपको पता से इसे चल जाए कि इसकी, ये देखें, आपने इसको सिलाई का रखते हुए कपड़ा ऐसे रख लेना। पहले आपने बाजू उतार लेना है, कपड़े की कटिंग कर लेनी है, फिर आपने उसको इस तरह रख लेना है। रख के फिर आपने ये देखना है कि इसकी लंबाई और ये कपड़े की लंबाई आपको एक जैसे बराबर मिलनी चाहिए। ये देखें, ये आप इसको कपड़ा ये ले लें और तकरीबन इसके बाद सिलाई का रखते हुए, ये देखें, मैं सिलाई का निशान रखते हुए मैं इसको 30.5 इंच लूंगी। आपने भी ये देखना है ये कपड़ा आपके पास कितना है, तो ये 30.5 इंच है। तो अब आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है, किस तरह अंदाजा करना है, इसको आपने साथ ही रखना है ताकि आपको पता चले कि मेरा दामन या घेर कितना है, तो मैं उसके मुताबिक ये लूंगी। ये आपने इसको 15 इंच के हिसाब से लिया है और ये डबल है आपका घेर, तो आपने ऐसे कपड़ा खोल के रख लेना, ये सिंगल पीस ऐसे रख के, ये सिलाई के ऊपर ऐसे, इसके ऊपर ऐसे रख के आपने सिलाई का कपड़ा रखते हुए इसके बराबर ऐसे रख के, तो आपने देखना है कि मैं कितना घेर चाहती हूँ, आप उतना घेर लें। ये देखें,
बाई इंच मेरा ज्यादातर घेर होता है, तो मैं बाई इंच घेर रख के तो एक इंच जो है वो मैं सिलाइयों के लिए इधर से भी और इधर से भी छोड़ रही हूँ। तो मैं इस पे 12 पे निशान लगाऊंगी, तो ये मेरा तकरीबन 5 इंच तक, 5.5 इंच तक ये कंप्लीट होगा। 5.5 आप ये लें और इधर निशान लगाएं 5.5 पे, क्योंकि 5.5 इसलिए कि हमारी सिलाई का भी इधर चला जाएगा। तो ये 5.5 पे निशान लगा के इसी साइड पे इसी तरह आपने जो ऊपर आपकी फिटिंग होगी शोल्डर के पास, क्योंकि ये तो इधर से आपको ऊपर से पूरा कपड़ा चाहिए ताकि आपकी जो फिटिंग है वो सही से अच्छे से बैठे। तो ये आपने इधर से देखना है कि मेरा जो बगल वाला हिस्सा है वो आपको जस्ट है वो कितनी आपकी पूरी आती है वो देख लें आप। तो ये देखें, ये 10 इंच है इधर आपकी, 20 इंच है आपकी जो आपकी चेस्ट है। तो आप इसको ऐसे इस पे निशान लगाएं और आधी इंच इस पे ऐसे छोड़ दें, तो फिर आप देखेंगे कि ये हमारा कितना, ये 3.5 इंच होगा। तो इस तरह हम ऐसे खोल के कुल जो है वो 9 इंच पे निशान आएगा। तो हमने 9 इंच इसका ऐसे पकड़ के कपड़े को तो डबल कर लेना है, ताकि हमारी जो 4 त्रीज है, इसको त्रीजे भी बोलते हैं और कली भी बोलते हैं, कली वाला कुर्ता भी बोलते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ी हटके हो जाता है कि वो कलियों वाली कन्फ्यूज हो जाता है, कलियों वाली फ्राक भी होती है, तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ इसको त्रीजू वाला कुर्ता बोलते हैं। तो इस तरह ये आपने निशान लगा लिया, जो आपने निशान ये वाला हिस्सा लिया है, जो आपने निशान इस साइड पे लगाया है 3 इंच का, अब आपने ये 3 इंच का इस साइड पे लगाना है। देखें, फिर आप देख लें ये निशान आपने ये सिलाई का छोड़ते हुए 3.5 इंच पे इधर निशान लगा हुआ है, और ये आप 3.5 इंच का इधर लगाएंगे इस साइड पे। जिस तरह आपकी आप शलवार के कुंदे की कटाई करते हैं ये सेम उसी तरह है। ये हो गया, अब इस निशान को और इस निशान को हमने ऐसे रख के और इस तरह रख के तो आपस में ऐसे मिला लेना है। ये आपको निशान नजर आ रहा होगा। अब आप चाहे तो इसको इसी तरह कटिंग कर लें और चाहे आप ऐसे ऐसे पकड़ के इसको ऐसे कर लें। तो मैं इसको ऐसे सीधा ही ऐसे कटिंग करूंगी इस तरह। आपने ये जो सीधी साइड है, ये वाली सीधी साइड और ये वाली सीधी साइड को आपस में ऐसे मिला लेना है इस तरह, क्योंकि जो हमारा त्रीज के साथ ऐसे कपड़ा जुड़ेगा जो हम लगाएंगे वो ऐसे सीधा ही आप लगाएंगे इस तरह, जो रेब वाला कपड़ा हो जाएगा वो साइड पे हो जाएगा। ये हो गया, अब आपने बाजू देख लेना है, इधर आपने सिलाई का छोड़ते हुए अपने बाजू का इस पे ऐसे निशान लगा लेना। ये देखें, ये हो गया। अब आप इसके अंदर चकोर कपड़ा इधर डलता है ताकि आपकी ये जो चीज है चेस्ट आपकी इसे फिट ना हो, तो वो हम चकोर कपड़ा किस तरह डालेंगे और उसकी कटिंग का तरीका ये है। ये अगर आपका इधर से 3.5 है तो आपने इसको ऐसे इस तरह कर लेना है, ऐसे करके तो फिर इसकी कटिंग आपने करनी है। तो बाज़ लोग इसको बच्ची भी बोलते हैं कि हम इधर बच्ची लगाने लगे हैं, बाज़ लोग इसको तिकोना कपड़ा बोलते हैं। तो उसका तरीका कार ये है कि जो हमने ये डबल हम लेंगे कपड़ा ऐसे, अब हमने इसकी लंबाई चौड़ाई देखनी है। 3.5 इंच आप इसकी चौड़ाई ले लें और लंबाई आप इस 5.5 ले लें, ठीक है। अब आपने करना ये है कि इसको आप ऐसे
इस वाले हिस्से को आप लैदा कर ले इस तरह। तो अब हम इसको 5.5 इंच तक लेंगे। अगर तो आपकी आपका बच्चा हेल्दी है या लड़की हेल्दी है या आपने इसको ऐसे कोन की तरह बना लेना है इस तरह ऐसे। कि ये आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा लें और इसकी फिटिंग हो तो आप तो इस तरह कोन बना लें। अगर आपकी बच्चा हेल्दी हो तो आप इसको ऐसे चोरस आप ले लें इस तरह चोरस आप निकाल लें इसकी। आप चोरस की इसकी कटाई कर लें। अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो चोरस कटाई करें, अगर आपका बच्चा हेल्दी नहीं है तो आपने इसको कोन की तरह इसकी कटाई कर लेनी है, जैसे कि ये मैं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा खुला नहीं कुर्ता चाहिए तो मैं इसकी कटाई ये कोन की तरह करूँगी ऐसे। अब हमने इसको जो हमने 3 इंच इसकी लिया था कपड़ा, वो हमने ऊपर की तरफ रखना है बाजू की तरफ, ठीक है। ऐसे आपने वो बाजू की तरफ रखना है और जो हमने लंबाई ज़्यादा ली थी 5.5 इंच तक, वो हमने इधर फिटिंग की तरफ रखना है ऐसे। तो ये थी इसकी कटिंग। आपने शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर इसको देखें ताकि आपको अच्छे से इसकी कटिंग की समझ आ जाए। इसको कलियों वाला कुर्ता भी बोलते हैं और त्रीजो वाला कुर्ता भी। तो मर्दानी जो कटिंग होती है वो थोड़ी और तरीके से होती है, क्योंकि उसका हम बाजू 2 इंच इस अंदर से कपड़ा फालतू रखते हैं ताकि वो इस पर हमारी इधर तरपाई वगैरह हो जाए। तो वो उसका तरीका हो रहा है, वो आपको मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। तो ये इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि किसका सिलाई का तरीका भी दूसरे लहदा तरीका है, वो आम कमीजों की तरह नहीं है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।